फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ भोलेनाथ जी की कृपा से सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज मैं एक कुकिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत छोटी है। अगर आज की वीडियो जरा भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में घंटी को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, कभी ये होता है कि कुछ समझ में नहीं आता ना क्या बनाएं क्या बनाएं। कभी घर में कुछ सब्जियां नहीं रहती हैं और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो हमें बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लाना पड़ता। जो भी घर में अवेलेबल है, कुछ भी हमारे फ्रिज में है, तो उससे ही हम एक चटपटी सी रेसिपी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाएं या स्नैक्स में बनाएं। तो चलिए, आज की ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है, स्पेशल बना रही है मेरी बेटी। तो चलिए, वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा है। यहाँ पे एक शिमला मिर्च मैंने मोटी सी कद्दूकस कर ली है और दो तीन हरी मिर्च ली है, कसूरी मेथी ली है और यहाँ पे ये मूंगफली मैंने थोड़ा सा भून लिया है इनको। उसके बाद इसको मैं इसके साथ थोड़ा सा सौंफ ऐड करके इसको दरदरा सा मिक्सी में कूट लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी या बारीक सा इनको दो दो टुकड़े में कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्सी में इस तरह से इसको दरदरा सा कूट लिया है। अब इसके बाद बना रही है मेरी बेटी, ये थोड़ी सी सूजी बची थी आधी कटोरी के लगभग, काफ़ी टाइम से बची हुई थी तो इसका हलवा बनाते तो पूरा भी नहीं होता सबके लिए। और इस तरह से उसने ये प्याज काट लिया है लंबी लंबी इस तरह से, और यहाँ पे हरी मिर्च भी काट लिया है, सूजी को छान लिया है क्योंकि बरसात में होता है ना कभी कीड़े वीड़े ना पड़ जाएँ। तो छान के इसको जो भी मैंने रखा है, ये मूँगफली कूटी हुई, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, प्याज, सब वो एक साथ ऐड कर देगी। और सूजी और शिमला मिर्च से कितनी अच्छी रेसिपी बनाने वाली है मेरी बिटिया। बोला मम्मी रोज़ पराठा या रोटी ही बनती है हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में, तो आज संडे हमारी छुट्टी है तो मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ। मैंने कहा बना भाई, मैं अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ, बस मूँगफली मैंने भून के रख ली थी और इसमें थोड़ा कसूरी मेथी भी डाल देते हैं, अगर कुछ और भी सब्जी है तो डाल सकते हैं। उसके बाद उसने सारे सूखे मसाले इसमें ऐड कर लिए, बेसिक जो भी हम यूज करते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी थी और बहुत अच्छा लगा कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तो उसने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर लिया है, मसाले भी सारे डाले हैं। एक दो चम्मच इसमें ये आटे के डाल रहे हैं और ये डाली उसने इसमें एक चम्मच दही और थोड़ा सा इसमें आटा डाला एक दो चम्मच, और एक दो चम्मच डाला इसमें बेसन। वो इसलिए डाला कि सूजी थोड़ा कम लग रही थी तो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, तो इस सबको मिक्स कर लेगी। उसके बाद इसका घोल तैयार करना है, धीरे धीरे पानी डालना है और इस तरह से इसने घोल बना लिया है। तो पहले उसने मुझे कहा था कि मैं आज चीला बनाने वाली हूँ, फिर बनाते बनाते उसका मूड चेंज हो गया, उसने कुछ और ही सोच लिया। दो मिनट में उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आज चीला नहीं बनाती, मैं कुछ और बनाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले जा रही है और इसका पेस्ट सा बना लिया। देखो, उसने घोल बना लिया सारे मसाले डालने के बाद। भाई ये बना क्या रही है, मैं सोच रही हूँ क्या बना रही है। तो जी हाँ, उसने बनाए हैं सूजी और शिमला मिर्च के पकौड़ी, और सच में जब खाई ना इतने टेस्टी हो रहे थे, क्योंकि इसमें मूँगफली भी बहुत ज़्यादा थी ना, मूँगफली का टेस्ट इसमें इतना ज़्यादा आ रहा था। तो पहली बार बनाई उसने ये रेसिपी, पहली बार क्या, मैंने भी कभी नहीं बनाई, पहली बार खाई और इतने कुरकुरे पकौड़े इतने अच्छे हुए ना। तो सूजी, शिमला मिर्च और मूंगफली के पकौड़े, ये देखिए इसी तरह से वो थोड़ी थोड़ी करके बनाएगी, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो कढ़ाई हमारी गहरी है, तो थोड़ी थोड़ी करके इसी तरह से बनाएगी। तो इसका इसने जो जब तक इसने इसका घोल बनाया था ना, तब तक उसका चल रहा था कि मैं चीला बना रही हूँ। फिर उसने कहा कि नहीं, चीला नहीं, इसका मुझे पकोड़े खाने का मन कर रहा है तो पकोड़े बनाती हूँ। और देखिए इसी तरह से ये सिम आंच पे, इनको फुल आंच पे नहीं बनाना है, सिम आंच पे बनाना है, और इतने कुरकुरे इतने अच्छे पकौड़े बने। साथ में उसने बनाई है चटनी, चटनी बनानी उसने टमाटर की, क्योंकि धनिया वगैरह तो था नहीं, टमाटर और हरी मिर्च की चटनी, चटनी के साथ इतने टेस्टी बनी थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी, अगर आपने नहीं बनाई तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इतने अच्छे पकौड़े बने थे ना, आप चाहो चटनी, अचार या दही, चाय के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो उसने चटनी बनाई है, हम लोग खा रहे हैं, चटनी के साथ एंजॉय कर रहे हैं।
हरी मिर्च और टमाटर की और सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। मैं भी नहा के आ गई थी और बच्चों के साथ मैं भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आपको आज की ये नई रेसिपी कैसी लगी, मेरी छोटी सी बिटिया ने बनाई है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।